हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाट हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसके सेवा में लगी रही। भालू पंख चिलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने का इच्छा जाहिर करता, उसके बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो और बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुदम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी ये कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों का शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट खूब खा पी कर अपने शाही महल में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोली हू हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर सियारों के स्वर में मिलाकर हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बन रहा है। मारो, इसे तो मार कर खा देना चाहिए। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसकी जान चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, नकली पन की पोल देर या सवेरे जरूर ही खुलती है।